नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्यासं वंदे श्री गुरु परंपरा गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसो चोर प्रभु जय जय माधन चोर वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए कुछ पल भगवान नाम स्मरण करके मन वाणी को पवित्र करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। Thank you.
कृष्ण देव की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की महद अनुकंपा से हम लोग 2020 में प्रवेश कर गए। 2020 और 2020 का ही जमाना आ गया है और हम इस नव वर्ष में ईसवी नव वर्ष में, क्योंकि हम लोगों का तो अब पुनः भारतवर्ष का नव वर्ष आने वाला है, नवरात्रि से शुभारंभ होता है, ये ईसवी नव वर्ष है। आप निस्संदेह भगवान की कृपा के पात्र हैं जो आपके मन में ऐसे सात्विक भाव और विचारों का उद्भव होता है। हमारे परम आदरणीय, हमारे बड़े आत्मीय श्री गोस्वामी पुंडरीक जी महाराज ने आपके विषय में हमें बताया, जैसा भगवान के बड़े रसिक प्रेमी जन हैं तो उनको भगवान के गुणानुवादों में आप भी गोता लगवाएं। तो हम अभी यही सोच रहे थे यहाँ पर किस विषय पर चर्चा की जाए, तो पता चला कि आपका जो मन में आवे सो कहो, तो हमने सोचा आप ठाकुर जी पे ही छोड़ देते हैं कि वो चाहे जो कहलवाना चाहे वो कहलवाएं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय सियाराम, जय सियाराम। यहाँ पर कन्हैया भी बैठे हैं और राम जी भी बैठे हैं, तत्वतः दोनों में कोई भेद भी नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। अंतर कहाँ है, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। बस आंखों में ही थोड़ा सा अंतर है। राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और ये कन्हैया हमारे लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए थोड़ा सा स्वभाव में अंतर है, स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, सामले दोनों ही हैं। दोनों के स्वरूप में किंचित भी कोई भेद नहीं, इसलिए गोस्वामी जी राम जी के अनन्य उपासक राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज घूमते वृंदावन में पहुंच गए और वृंदावन में जाकर के जब कृष्ण कन्हैया के दर्शन किए तो बड़े खुश हुए। उनके मन में तो कोई भेदभाव था ही नहीं, यदि भेद होता तो कन्हैया के मंदिर में क्यों घुसते। तो मालूम था ये वहां के बिहारी का धाम है, कन्हैया का ही साम्राज्य है, तो वो अभेद दृष्टि रखते थे इसलिए वृंदावन गए और उनके मन में कोई अंतर नहीं था इसलिए गोविंद के मंदिर में गए। पर जब प्रणाम करने लगे तो किसी ने व्यंग कर दिया, गोस्वामी जी पर, महाराज आपके राम जी 12 कला के अवतार हैं और हमारे कृष्ण कन्हैया 16 कला संपन्न हैं, इसलिए आखिरकार आपको भी कन्हैया के चरणों में आना ही पड़ा। तो गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा, इन्होंने हमारे राम जी को हल्का आंक लिया। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। अरे भाई 12-16 का चक्कर इसलिए है क्यों, राम जी सूर्य वंश में प्रकट भए हैं और कन्हैया हमारे चंद्र वंश में प्रकट हैं। चंद्रमा 16 कला के होते हैं और सूर्य भगवान 12 कला के होते हैं, है? सूर्य की 12 राशि, तो 12 कला के सूर्य हैं इसलिए राम जी को 12 कला का बोल दिया और चंद्रमा 16 कला संपन्न है इसलिए कन्हैया को 16 कला का कह दिया। परंतु जब व्यंग किया तो गोस्वामी जी ने गोविंद से थोड़ा इशारा कर दिया, बोले महाराज आप में और उनमें कोई अंतर तो है नहीं, अंतर इनको दिख रहा है तो क्या करें। बोले थोड़ी देर के लिए बंसी को छुपा लो, धनुष बाण उठा लो, बस इतना ही तो अंतर है।
रूप रंग में तो कोई कमी नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बंसी और धनुष का अंतर है। थोड़ी देर के लिए बंसी झुबा के धनुष बाण उठा लो। गोस्वामी जी ने निवेदन किया, कहा कहो छवि आज की और भले विराजे नाथ, और तुलसी मस्तक नमत है निक धनुष बाण लियो हाथ। ये जो कहा जाता है ना, तुलसी मस्तक जब नवे तब नवे, ऐसा कहने से तो भक्त का आदेश हो जाएगा कि मैं तब आपको प्रणाम करूंगा जब आप धनुष बाण लेंगे। भक्त कभी आदेश नहीं देता भगवान को, भक्त निवेदन करता है। इसलिए तुलसी मस्तक नमत है, हम तो प्रणाम कर ही रहे, परंतु जिनको ये भ्रम हो रहा है उनको दूर करने के लिए नेक धनुष बाण ले हाथ, थोड़ा सा धनुष बाण उठा लो बस। और कन्हैया ने तुरंत निवेदन स्वीकार किया, बंसी को छुपा के धनुष बाण उठा के खड़े हो गए। जो धनुष बाण हाथ में लिया तो राम जी बन गए, देखने वाले चक्कर में पड़ गए, ये क्या हो गया। कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। बोल राम कृष्ण देव की जय। अपने भक्त का मान रखने के लिए कृष्ण बने रघुनाथ। और आज भी वृंदावन में वो स्थान है जहां पर कन्हैया राम जी के रूप में तुलसीदास बाबा को दर्शन दिए, वो तुलसी दर्शन स्थल के नाम से वृंदावन में प्रसिद्ध है। हमारे श्री गोस्वामी पुंडरीक जी महाराज का जो निवास स्थान है उसी के पास में ये तुलसी दर्शन। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ तो राम जी श्याम जी दोनों ही बैठे हैं, तो वेद भाव का कोई अंतर ही नहीं है। पर भेद कहाँ कहाँ पर है और क्यों है, इस पर थोड़ा विचार करें। भगवान के अवतार युग युग में होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोविंद गीता में कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा अहम् आत्मानं सृजामि। जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगता है, तब हम विविध रूपों में धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं, अवतार लेते हैं। हम लोगों का होता है जन्म और ठाकुर जी का होता है अवतार। दोनों में अंतर क्या है? जैसे हम पैदा हो गए वैसे राम जी और श्याम जी भी हुए। कौशल्या मैया कह रही है कि जिसके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, अणु रणियान महतो महियान, भगवान कितने बड़े हैं उनके बड़प्पन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहना तो अलग बात है, कल्पना भी नहीं हो सकती हमारी। महतो महियान, महान से महान, कितने महान बोलो, धरती कितनी बड़ी है, पृथ्वी, पृथ्वी की कल्पना करो, पृथ्वी कितनी विशाल है। अब पृथ्वी से सात लोक ऊपर हैं और सात लोक नीचे हैं। नीचे हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। माने नीचे से ऊपर तक पूरे 50 करोड़ योजन विस्तार का एक ब्रह्मांड होता है, ऐसा भागवत में लिखा है। 50 करोड़ योजन, 4 कोस का एक योजन, अब लगा लो हिसाब, इतना बड़ा ब्रह्मांड
ब्रह्मांड के कई रहस्य हैं जो हम लोग चाहे जितने आधुनिक बन जाएं, चाहे जितने बुद्धिमान बन जाएं, परंतु समझ नहीं पाते। कोई ना कोई चमत्कार ऐसा होता है कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों की खोपड़ी खराब हो जाती है कि ये क्या हुआ। तो भगवान ये चमत्कार दिखाते रहते हैं। तो कितना बड़ा एक ब्रह्मांड होता है सोचिए, जरा हिसाब लगाइए। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड भगवान के केवल एक रोम में विचरण करते हैं। जैसे आप और हम जब सवेरे सवेरे जागते हैं, बिस्तर फटकारते हैं, तो कभी कभी सूर्य भगवान की किसी खिड़की से रोशनी आ रही हो, तो रोशनी की उस किरण में आप बिस्तर फटकारो तो छोटे छोटे कण उड़ते नजर आते हैं कि नहीं। तो जैसे उस सूर्य की किरण में छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं, ऐसे भगवान की एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड उड़ते नजर आते हैं। रामचरितमानस में माता कौशल्या कह रही हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। अम्मा कौशल्या हाथ जोड़ करके स्तुति कर रही। भगवान ने जब चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए जन्म से पहले, तो कौशल्या माँ कहने लगी, महाराज मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। किस बात का? कि जिसके एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड उड़ते रहते हैं, वो इतना बड़ा विराट ब्रह्म मेरे पेट में कैसे आ गया। मम उर्सो बासी, उसी ब्रह्म ने मेरे उर में, जो सर्व उर्वासी है, वो मेरा उदरवासी बन गया। सबके कण कण में रहने वाला मेरे पेट में समा गया। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। किसी की भी बुद्धि ये सोचने में समर्थ नहीं कि ये कैसे हो सकता है, इतना विशाल ब्रह्म कौशल्या के पेट में कैसे समा गया। माँ कौशल्या तो बड़े प्यार से स्तुति कर रही है, और भगवान हंस के बोले, माता जी हम स्तुति सुनने नहीं आए अपनी, तो क्यों आए हो। भगवान के अवतार के हजारों कारण होते हैं। कोई कहता है दुष्टों को मारने आते हैं, कोई कहता है भक्तों को तारने आते हैं, परंतु एक भक्त बहुत जोरदार बात कहते हैं, क्या बोले, ना वो मारने आते हैं ना तारने आते हैं। तो बोले वैकुंठ में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। बोले भाई उनको किस बात की बोरियत। बोले जब भगवान ऊपर से बैठे बैठे देखते हैं कि माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को देखो कितना लाड़ प्यार करती हैं, कितना स्नेह वात्सल से सींचती हैं, तो भगवान का भी मन ललचाने लगता है कि कोई हमारी भी मैया होती और हमको भी गोद में ऐसी खिलाती, बड़ा लाड़ प्यार देती। भगवान भी तरसते हैं माँ का वात्सल्य पाने के लिए। तो भगवान को लगा चलो हम ही किसी को मैया बाप बना लेते हैं, तभी ये आनंद मिलेगा हमको। अब प्रभु ने सोचा हम माताजी बनाएं पिताजी बनाएं तो किसे बनाएं, क्योंकि समस्त चराचर जगत के जीव उसी की संतान है। तो जो सारे संसार का बाप बना बैठा है वो अपना बाप किसे बनावे। बड़ा संकोच लगा। अरे आपका बच्चा छोटा सा आपको कहे पापा जी आप भी हमारे साथ खेलो। बोले हाँ बेटा हम तैयार हैं। अब बच्चे आपके साथ खेलने लगे या आप या बच्चों के साथ खेलने लगो और वो कहें पापा जी आज आपको इस खेल में हमारा बेटा बनना पड़ेगा, आपको हमसे पापा कहना पड़ेगा, तो बोलो आप राजी हो जाओगे। राजी भली खेल में हो भी जाओ तो भी शर्म तो लगेगी बेटे से पापा बोलने में। ये कल का बच्चा हमको अपना बेटा बना रहा है खेल में ही सही, तो भी शर्म तो लगती है, संकोच तो लगता है। तो भगवान को भी थोड़ी लज्जा लगी कि हम सारे जगत के बाप हैं, सारे संसार के पिता हैं, अब हम अपना बाप किसे बनाए भाई, किसको पापा जी बोले। तो शर्म के मारे भगवान ने अवतार तो लिए पर बाप किसी को नहीं बनाया, ना मैया ना बाप। कभी तो खंबा फाड़ के नृसिंह बन के पैदा हो गए, अब बताओ ना मैया का काम ना बाप का काम, खंबा से ही प्रकट हो गए। तो कभी ब्रह्मा जी की छींक से ही वराह बन करके प्रकट हो गए,
कभी कछुआ बन के प्रकट हो गए, कभी मछली बन के प्रकट हुए, ये 24 अवतारों में सब आते हैं। और मैया बाप का कहीं नाम सुना? कच्छप भगवान के मैया बाप कौन, मत्स्य अवतार में भगवान के मैया बाप कौन है, वराह भगवान के मैया बाप कौन, नरसिंह भगवान के मैया बाप कौन? कोई नहीं, बिना मैया बाप के ही आगे। परंतु अवतार लेते लेते थोड़ा संकोच कम हो गया और मन में सोचा ऐसे अवतार लेने से कोई आनंद नहीं आता, बिना माँ बाप के क्या सुख, तो चलो अब की बार मैया बाप बना ही लेते हैं। पहली बार जब अदिति कश्यप जी ने तप किया, मनु शत्रुपा ने तप किया, मनु शत्रुपा ने तप करके जब कहा चाहूं तुम ही समान सुत प्रभसन कवन दुराव, सरकार आप इतने प्यारे लग रहे हो कि हमारा तो मन हो रहा है कि आप ही हमारे बेटा बन जाओ। परंतु कहना तो यही चाह रहे थे कि आप हमारे बेटा बन जाओ, चाहो तुम ही, जैसे कहा मैं तुम ही को चाहता हूं। भगवान बोले क्या कहा? सुबेचारे घबरा गए कि नाराज ना हो जाए कि हमको बेटा बनाना चाहते हो। सो तुरंत तुम ही कह करके जब लगा कहीं नाराज ना हो जाए तो समान कह दिया, चाहो तुम ही समान सुत, मैं बेटा तो चाहता हूं पर तुम्हारे जैसा चाहता हूं। कहना तो यही चाह रहे थे कि तुम ही को बेटा बनाना चाहता हूं, पर नाराज ना हो जाएं, सारी संसार के बाप हैं तो हम इनको बेटा कैसे कह दें। सो डर के मारे कह दिया चाहो तुम ही समान सुत, तुम्हारे जैसा बेटा चाहता हूं। तो भगवान को हंसी आ गई, अरे मनु महाराज हम जैसे तो हम ही हैं, हमारे जैसा दूसरा हम कहां ढूंढने जाएंगे, और मान के चलो हमारा जैसा कोई दूसरा मिल भी गया तो हम उसे मनाए कि भैया तुम उनके बेटा बन जाओ, ये तो झंझट वाली बात है। पहले तो हमारे जैसा कोई है नहीं, मिले तो उसको मनाना पड़ेगा तुम्हारा बेटा बनने के लिए, इसलिए चक्कर में ना पड़ो, हम ही तुम्हारे बेटा बन करके आए जाते हैं। पहली बार भगवान विधिवत पुत्र बने और अदिति और कश्यप जी को पिता मान करके उनके पुत्र वामन रूप में आए। पहले मैया बाप बने, वामन रूप में जब प्रकट भए, किंतु जब बलि के दरवाजे भिक्षा मांगने गए और भिक्षा में 3 लोक मांग लिए 3 चरण में, और जब नापने लगे और विराट रूप दिखाया तो मैया बाप भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे भगवान जो हमारा बेटा बना ये तो सारी दुनिया का बाप है, पूरे ब्रह्मांड को 2 पैरों में नाप डाला इसने। तो बोलो जब इतना पुत्र का जो विराट रूप देख लेगा फिर उसे गोद में लेके लड़ प्यार करेगा क्या? मैया बाप ही हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये तो सारी दुनिया का बाप है। तो भगवान को लगा अरे मैया बाप पहली बार तो बनाए, उसमें भी आनंद नहीं आया, क्योंकि जब मैया बाप हाथ जोड़ेंगे तो क्या बात सल देंगे आपको। तो भगवान को लगा अब की बार खूंटी पर टांग करके पूरे ऐश्वर्य को प्योर बेटा बनेंगे, पक्के बेटा बनेंगे जैसे संसार के होते हैं। तो पहली बार कौशल्या जी के सामने बेटा बनने का मन बना करके भगवान आए, पर चतुर्भुज रूप में जब प्रकट होकर के आए तो मैया तो स्तुति करने लगी। माता पुनि बोली सोमति डोली, माने कहा कि प्रभु आपने ये जो विराट रूप दिखा दिया, जो चतुर्भुज रूप में आप मेरे सामने आए हो, तो मैं तो आपकी स्तुति ही करूंगी। भगवान बोले ना ना माता जी, स्तुति सुन सुन के कान पक गए हमारे, वैकुंठ में बैठे बैठे अपनी महिमा ही तो सुनते रहते हैं, जो आता है चतुरानन ब्रह्मा या पंचानन शंकर सब के सब हाथ जोड़ के वेद मंत्रों से स्तुति गा गा करके हमको रिझाते रहते हैं, महिमा सुन सुन के प्रशंसा सुन सुन के कान पक गए हमारे, तो अब क्यों आए हो? बोले अब तो चाहते हैं कि आप हमारे कान खींचें, लाड़ प्यार भी करें और थोड़ा चपत भी दिखाएं। माताओं का ऐसा ही होता है, सबसे ज्यादा प्यार करती हैं बच्चों को, पर सबसे ज्यादा पिटाई भी खूब करती है। जो प्यार करता है ना उसी को पिटाई करने का अधिकार होता है। बच्चों से लाड़ प्यार भी खूब करेंगी मैया, और जब मूड खराब हो जाए तो जम के बरसात भी कर देती हैं थप्पड़ों की, पर माँ के मारने में भी बड़ा प्यार होता है। हाथ तो लंबा चौड़ा उठाती है, मारते समय केवल धक्का लगाती है, जितना जोर का हाथ उठाती है उतना जोर का मारती थोड़ी है।
अन्यथा कोई मैया अपने बच्चे को मार रही हो और आप कहो माता जी तुम रहने दो, हम देखते हैं इसको, और तुमने कहीं एक थप्पड़ जड़ दिया उसके बच्चे में, तो वो तुम पर भिड़ जाएगी, तेरे बाप का खाता है जो तूने हाथ उठा दिया, नाराज हो जाएगी, लड़ने को तैयार हो जाएगी। अरे आप तो मार रही थी, मैंने एक मार दिया तो क्या हुआ? बोले मैं मारूं या कुछ भी करूं, वो मैं बाकी मैया हूं, तू मारे में बारो कौन होए, दूसरा कोई मारे या हाथ भी उठा दे तो मैया लड़ने को तैयार है, वो कुछ भी कर सकती है। तो माँ जितना प्यार करती है उतना खूब अच्छी तरह से शिक्षा देने के लिए हाथ भी उठाती है। तो भगवान बोले माता जी मैं आपसे आपका बेटा बन के आया हूँ ताकि आप मुझे खूब लाड़ प्यार करो और मेरे कान भी खींचो। ये स्तुति सुन करके तो मेरे कान पक गए, मुझे अपनी प्रशंसा नहीं सुनना। माँ ने मुस्कुरा के कहा प्रभु क्षमा करना, यदि आपको माँ का वात्सल्य पाना था तो बेटा बन के आना था, आप तो पूरे पिताजी बन के खड़े हो, चार चार हाथ लगाए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, अब ऐसे अजूबे पुत्र को कौन माँ अपना वात्सल्य देगी। क्षमा करें महाराज, यदि आपको माँ का प्यार चाहिए तो पहले ये चार हाथ वाला रूप हटाइए और असली बेटा बन के आइए। माता पुनि बोली सोमति डोली सजहु तात यह रूपा, माता पुनि बोली सोमति डोली सजहु तात यह रूपा, शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सरकार कीजे शिशुलीला तजौ यह रूपा, इस रूप को छोड़िए और नन्हे से लाला बन के आइए, फिर देखिए मैं आपको कितना दिव्य स्नेह प्रेम वात्सल्य प्रदान करती हूँ। भगवान बोले माताजी हम कई बार बेटा बन चुके हैं, हमको बेटा बनना आया ही नहीं, इसलिए अब की बार आप जैसा कहोगी हम वैसी बेटा बनेंगे। माने का वो मैं सिखा देती हूँ, बताओ। माने का सबसे पहले ये दो हाथ गायब करो, ये जो चार चार हाथ लगा रखे हैं ना, ये दो ही रहने दो, दो को गायब कर दो, क्योंकि ये चार हाथ वाले बन के पैदा हो गए, पूरी मीडिया टूट पड़ेगी घर पे कि ये अजूबा कौन पैदा हुआ है, इसलिए जैसे बच्चे होते हैं वैसे बनो। ठीक है ठीक है, भगवान ने तुरंत दो हाथ गायब कर दिए, बोले अब ठीक है और बताओ। माने कहा भी ये जो शंख चक्र गदा ले रखे हैं वो सब फेंको बाहर, बच्चे कोई लाठी बंदूक लेके पैदा होते हैं क्या? जो शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हो ये सब फेंको बाहर करो। भगवान ने कहा ठीक है, ये भी कर दिए और बताओ। माने कहा ये जो कपड़े लत्ते पीताम्बर आदि धारण कर रखे इनको भी उतार के फेंको, बच्चे कोई कपड़े पहन के पैदा थोड़ी नहीं होते हैं, जैसे होते हैं बालक संसार में वैसे ही आपको होना पड़ेगा। तो जैसा जैसा माँ बोलती गई वैसे वैसे भगवान करते गए, तजो यह रूपा, तो सारा रूप त्याग दिया और नन्हे से शिशु बन के प्रकट हो गए और मुस्कुरा के बोले माता जी आप तो पक्का बेटा बन गया, जैसा कहा वैसा ही होना। माँ ने कहा वो तो ठीक है, परंतु अभी थोड़ी सी कमी है। अब क्या कमी रह गई? माँ ने कहा ये मुस्कुराना बंद करो, थोड़ा रोना चालू कर दो। भगवान बोले हम पर कौन सा संकट आ गया जो हम रोवे, हमें क्या कष्ट है, क्यों रोवे? माने का तुम्हें तो कोई कष्ट नहीं, आप तो सच्चिदानंद रूप हो, पर संसार का तो ऐसा ही नियम है, बच्चा पैदा होते ही रोता है, और यदि न रोवे तो घर वाले रोने लग जाते हैं, हाय हाय इतनी देर हो गई अभी तक बच्चा रोया क्यों नहीं, घर वाले सब परेशान हो जाएंगे यदि बच्चा पैदा होते ही न रोवे तो। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र संसार है, पैदा होते ही रुलाता है, रोना पड़ता है, तो चलो भैया संसार का नियम है तो हम रो लेते हैं। तो सुन बचन सो जाना रोदन ठाना ओए बालक सुर भूपा, सुन बचन सो जाना रोदन ठाना ओए बालक सुर भूपा, यह चे
चरित जगावहि हरि पद पावहि तेना परहि भव भूखा। तो भगवान नन्हे से लाला बन करके फिर रोना भी चालू कर दिए। सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, इतनी जोर से गला फाड़ करके रोए। माता जी कहें कि बस बस करो, जब ज्यादा गला खराब न करो, बस इतना ही रोना पर्याप्त है। रोदन ठाना, बोले नहीं नहीं हम इतना रोएंगे कि पूरा महल गूंज जाए। तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, जब के रोए महाराज, पूरा महल गूंज गया। रानियां सब दौड़ी, बधाइयां मंगल गीत गबने लगे। तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हो गए। और फिर कौशल्या मैया का जो स्नेह वात्सल्य प्रभु को मिला, तो बड़े गदगद हो गए। भाई मैया बाप को पा करके तो बड़ा आनंद आता है भाई, बड़ा सुख मिला, माँ का पूरा पूरा वात्सल्य मिला। परंतु कृष्ण देखो, गोस्वामी जी संकेत देते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ने अवतार लिया। अब जरा सोचिए, जैसे संसार के शिशु होते हैं वैसी बन के आए ना भगवान। मैया खुद कह रही है, मम उरुसो वासी, वही ब्रह्म मेरा उर्वासी बना, उदरवासी बना। और भागवत में यही बात देवकी मैया कन्हैया के बारे में कह रही है, बिभर्ति सोयम मम गर्भ गो भूत अहो न लोकस्य विडम्बनम हि तत्। वही जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड विचरण करते हैं, वह मेरे पेट में समा गया। तो प्रश्न उठता है कि जैसे माँ के पेट से हम लोग पैदा होते हैं, वैसे भगवान भी पैदा हो गए, तो फिर हमारा जन्म और इनका अवतार क्यों कहा जाता है? जन्म और अवतार में भेद क्या रहा? थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से सुनिए। अवतार और जन्म में क्या अंतर है? जैसे एक व्यक्ति गलती से कुएं में गिर पड़ा, अब गिरने के बाद जब चोट लगी, घबराया, चिल्लाया, भैया बचाओ, भैया बचाओ, जोर जोर से चिल्ला रहा था। एक सज्जन निकले तो उन्होंने सुन लिया, झांक करके देखा, अरे भैया मत घबराओ, मैं अभी तुम्हें निकालता हूं। आश्वासन दिया और वो रस्सी लेकर के आया, कमर में रस्सी बांधा, धीरे धीरे कुएं में उतरा। तब तक और भी भीड़ इकट्ठी हो गई, भैया कुआ में गिर गया, कुआ में गिर गया। लोग हल्ला मचाने लगे। एक ने बोला, कहा भैया दो गिर गए, दो गिर गए। तो दूसरा बोला, नहीं नहीं एक ही गिरा है। अरे साहब मैं कैसे मानूं, अपनी आंखों से देख के आया हूं, कुएं में दो थे। तब एक समझदार सज्जन बोले, भैया हल्ला ना मचाओ, गिरा तो एक ही है, दूसरा अभी उसे लेने के लिए उतर के गया है, वो गिरा नहीं है, वो उतरा है। तो जो गिरने में और उतरने में अंतर होता है, वही जन्म लेने में और अवतार लेने में अंतर है। अब दोनों के अंतर को अपने आप समझ लो। जो व्यक्ति गिरा हुआ है, वो चोट खाया हुआ है, घबराया हुआ है, बाहर निकलने के लिए बेचैन है, व्याकुल है, किंतु जो उतर के गया है, उसको कोई चोट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ सावधानी पूर्वक अपनी मर्जी से उतर के गया है। वो गिरा नहीं है, उसका जाना अपनी स्वेच्छा से है, अपनी मर्जी से गया है। और जो अपनी मर्जी से उतरा है, वो अपनी मर्जी से जब चाहे तब ऊपर आ जाए। परंतु जो गिर चुका है, वो अपनी मर्जी से तो गिरा भी नहीं है और अपनी मर्जी से ऊपर आ भी नहीं सकता। उसे तो जो कोई निकालेगा तब बाहर निकल पाएगा। ठीक इसी प्रकार संसार है कुआ, इसका नाम है भवकूप। और इस संसार रूपी भवकूप में हम और आप सब गिरे हुए हैं, कर्मों के अधीन होकर के गिरे हुए हैं। जैसे जैसे कर्म किए, उन कर्मों का दंड भोगने के लिए ब्रह्मा जी ने हमको बना के पटक दिया। 84 लाख शरीर हैं, त्वम मानवो भव, त्वम सुकरो भव, ऐसे करके भव का मतलब होना। तो संसार में ब्रह्मा जी शरीर बना बना करके हमको उस शरीर में बैठा के पटक देते हैं।
तुम मनुष्य बन जाओ, तुम कुत्ते बन जाओ, तुम बिल्ली बन जाओ, तुम चूहे बन जाओ, ऐसे बना बना के हमको जैसा कर्म होता है वैसा शरीर दे करके पटक देते हैं। तो संसार के कुएं में हम गिरे हुए जीव हैं। अब जब हम छटपटाते हैं संसार की पीड़ा से, दुखी होकर के रोते हैं प्रभु हमारा उद्धार करो, तो भगवान को दया आ जाती है, बोले चिंता ना करो हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए। अब भगवान हमारे साथ साथ में आकाश में बैठे हुए नहीं है, वो अपने भक्तों का कष्ट देख करके परित्राणाय साधूनां, भक्तों का कल्याण करने के लिए स्वयं इस कुएं में उतर के आ जाते हैं और कहते हैं आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें लेने आ गया। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे चरण पकड़ लो, मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर के इस कुएं से बाहर निकालूंगा। तो हमारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वेच्छा से अपनी मर्जी से इस धराधाम पर उतर के आ जाते हैं हम लोगों के बीच में। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। निज इच्छा, हम लोग परीक्षा से उतरे हैं कर्मों का, हम लोग जन्म लेना थोड़ी चाहते थे, ब्रह्मा जी ने पैदा कर दिया तो आ गए, तो हम पराधीन होकर के गिरे हैं, पर भगवान स्वेच्छा से अपनी मन मर्जी से आए हैं। अब हमारा जाना भी पराधीन है, जब चाहे जितनी उम्र होगी उतना रहेंगे, उसके बाद मरना ही पड़ेगा। अब हम चाहें ना चाहें, जब समय आ जाएगा तो मरना हमके हमारे लिए विवश है, व्यवस्था है, मरना ही पड़ेगा चाहो या मत चाहो। पर भगवान का जैसे आना स्वेच्छा से हुआ है, ऐसे जाना भी अपनी मर्जी से होता है। वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, हम कर्मों के अधीन आते हैं, कर्म भोगने के बाद ही जाते हैं। तो जो आने जाने में हमारे प्रभु स्वतंत्र हैं और हम आने जाने में परतंत्र हैं, बस यही जन्म और अवतार का अंतर है। अवतार शब्द का अर्थ क्या है? अवतार का मतलब है अवतरणम, जो नीचे उतर आवे उसका नाम है अवतार। चार नाम लिए हैं गोस्वामी जी ने, क्यों लिया राम जी ने अवतार? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। क्यों जी, क्या भगवान केवल विप्रों के लिए ही पैदा हुए? अन्य जाति वाले कहेंगे ये तो भगवान भी पक्षपात करते हैं, बताओ विप्रों के लिए आए, तो हम क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए नहीं आए क्या? तो आपने एक ही नाम क्यों लिया विप्र? और पशुओं में धेनु, धेनु माने गाय, विप्र धेनु सुर देवता और संत, ये चार नाम लिया। ये चार का नाम क्यों लिया है? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कहलाते हैं। चारों पुरुषार्थों के प्रतिनिधि ये चार लोग होते हैं। धर्म का स्वरूप क्या है इसे ब्राह्मण देवता जानते हैं, विप्रदेव जानते हैं, इसलिए धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले विप्र होते हैं। और अर्थ माने संपदा, संपत्ति, धन संपदा का प्रतिनिधित्व करने वाली गौ माता होती है। और तीसरा पुरुषार्थ काम, कामनाओं की पूर्ति करने वाले सुर होते हैं, देवता। और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कराने वाले होते हैं संत। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, विप्र धैन सुर और संत, तो ये चार हैं। चार जो हैं पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, इसलिए इन चार का नाम लिया। मनुष्य जीवन पा करके यदि आपने चारों पुरुषार्थों में से एक भी सिद्ध नहीं कर पाया तो आपका हमारा जीवन उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे बकरी के गले का स्तन। बकरी के गले में भी दो स्तन लटके रहते हैं ना, वो किसी काम के नहीं होते, केवल देखने के होते हैं। ऐसे मनुष्य शरीर मिला और जीवन सार्थक नहीं किया, धर्मार्थ मोक्ष कुछ भी प्राप्त नहीं किया, तो जीवन उस गले बकरी के गले के स्तन के समान व्यर्थ है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोऽपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। इसलिए मनुष्य शरीर में धर्म अर्थ, आज क्या है हम लोगों ने धर्म और मोक्ष को किनारे कर दिया,
केवल अर्थ और काम के पीछे पड़े हो गए। अर्थ माने पैसा, केवल पैसा आवे, कहीं से भी आवे, कैसे भी करना पड़ जाए, सब कुछ करने के लिए तैयार, अर्थ की अंधी दौड़। भागवत में लिखा है जो धर्म विहीन धन आता है वो 15 अनर्थों की आंधी साथ में लाता है। पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरे नंबर पर है अर्थ। धर्म को धक्का मार करके अर्थ कमाने की कोशिश करोगे, पैसा आ तो जाएगा परंतु तुम्हें न सुख लाएगा न शांति लाएगा, बल्कि तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे घर में अशांति और क्लांति भर देगा, तुम्हारा सुख चैन छीन लेगा। उदाहरण से रामचरितमानस में ही देख लीजिए, कैकेयी माँ की दृष्टि अयोध्या के सिंहासन पर गई। अयोध्या का दिव्य स्वर्ण सिंहासन ऐसा था जिसे देख करके इंद्र को भी स्प्रहा माने जलन होने लग जाती थी। स्वर्ग के इंद्र का भी सिंहासन इतना सुंदर नहीं था जितना कि अयोध्या का था, सुरेपसित राज्य लक्ष्मी, इसलिए इंद्र को बड़ी जलन होती थी। कैकेयी को पता चला कि राम जी बनने वाले हैं राजा, तो उसने षड्यंत्र रचा और राम जी को 14 वर्ष का वनवासी बना दिया और बेटे के लिए अपने बेटे भरत को सिंहासन मांग लिया। भरत जी को पता चला ये सारा समाचार, बड़े दुखी हुए। अब वो कथा तो विस्तार में तो नहीं जाएंगे, आपको संकेत कर रहे हैं केवल, ना तो केवल हम प्रवचन सुना रहे हैं, कथा में तो बहुत विस्तार हो जाएगा चरित्र। पर भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में वरदान मांगा गंगा मैया से, क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अब प्रश्न उठता है, चारों पुरुषार्थों का क्रम क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे ही बोला जाता है, पर भरत जी क्रम उलट के बोल रहे हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, उल्टा उल्टा पुल्टा क्यों कर दिया भाई? कह सकते थे धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, कोई छंद भंग भी नहीं हो रहा और क्रम भी बिल्कुल सही चल रहा है, तो क्रम तोड़ क्यों दिया? भरत जी कहते हैं मैं त्यागने की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं इस अर्थ को त्यागूंगा, धर्म को नहीं त्याग सकता। बोलो राधे 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 राधे। हम लोग सबसे पहले धर्म को त्यागने के लिए तैयार रहते हैं, हम सबसे पहले धर्म निरपेक्ष बनने की तैयारी में रहते हैं, परंतु भरत जी ने कहा नहीं, त्यागने की बात कर रहा हूं तो धर्म को पहले नहीं त्याग सकता, सबसे पहले तो अर्थ को त्यागूंगा। क्यों जी, अर्थ से इतनी घृणा क्यों हो गई? भरत जी बोले मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि सबसे बड़ा अनर्थ मेरे जीवन में अर्थ के कारण आया है। मेरी माँ ने राम जी को त्याग कर अर्थ को अपनाया, और राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के मूर्तिमान विग्रह हैं, तो राम रूपी धर्म को वनवासी बनाकर अर्थ रूपी अयोध्या की संपदा को पकड़ने का प्रयास किया कैकेयी ने। भरत जी कहते हैं उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, मेरे प्राण प्यारे प्रभु वन वन में नंगे चरण घूमते फिर रहे हैं, सारी अयोध्या अनाथ हो गई, प्रजा अनाथ हो गई, ये अनर्थ की क्या जड़ पैदा हो गई भाई? अच्छा, ये भी कोई अनर्थ आ गया, ठिकाने लगाओ। बोल बंसी वारे की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
भरत जी कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के विग्रह, उनको धक्का मार के मेरी माता जी ने अर्थ पर हमला किया तो अयोध्या में अनर्थ ही अनर्थ छा गया। अयोध्या का मतलब जहां कभी युद्ध होता ही नहीं है, अवध, इसलिए उसको अवध कहते हैं, वहां किसी का कोई वध करता ही नहीं है। तो जो अवध था, अयोध्या था, आज उसमें कितना भयंकर अशांति और क्लांति सबके जन जन में व्याप्त हो गई। ये सब क्यों हुआ? अर्थ के कारण हुआ। भरत जी कहते हैं ऐसा अर्थ हमको कभी नहीं चाहिए जिसने मेरी अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ पैदा कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि जरूर करो, पर क्रम से करो। पहले धर्म पर विचार करो, फिर अर्थ से हाथ लगाओ। पुराने जमाने में लोग कहते थे, अरे भैया अपन को ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ऐसा पैसा आएगा घर बर्बाद कर देगा, संतान दूषित कर देगा, हमें पाप की कमाई बिल्कुल नहीं चाहिए। लोग इतना पाप से डरते थे, धर्म विरुद्ध धन से हाथ नहीं लगाते थे। और आज 24 घंटे इसी जुगाड़ में घूमते रहते हैं कि कब दो नंबर का माल मिले। एक नंबर का तो है ही है, दो नंबर का कैसे मिलेगा? बहुत से लोग तो कोई पहाड़ों को खोदता फिर रहा है, कोई कहीं खोदता फिर रहा है, पता चल जाए कि यहाँ माल गड़ा है, रात रात भर खुदाई करते हैं महाराज। तो कहने का मतलब यह है कि पहले धर्म पर विचार करके फिर धन से हाथ लगाते थे। आज सीधा केवल धन चाहिए, वो धर्म अनुकूल हो या धर्म प्रतिकूल हो, इससे कोई मतलब नहीं। उसी का कारण है आज धन की किसी के पास कमी नहीं है, पर किसी के घर में भी शांति नहीं है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। पुराने जमाने में इतना धन कहाँ था भाई, पैसा लोगों के पास नहीं था, फिर भी शांति बहुत थी। आज पैसा की कमी नहीं है, फिर भी शांति के नाम पर सब परेशान, किसी के घर में नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे, राधे राधे। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा तो है, परंतु धर्म को धक्का मार करके लाया जा रहा है, धर्म पर उसका कोई विचार नहीं किया जा रहा, इसलिए सब गड़बड़ है, अशांति है। और याद रखिए, राम जी और जानकी जी कौन है? शांति सीता समानीता। जानकी जी शांति का स्वरूप हैं और राम जी हमारे जो आनंद सिंधु सुख राशी, जो आनंद सिंधु सुख राशी, जो आनंद सिंधु सुख राशी, जो आनंद राम असनामा, अखिल लोक गायक कृष्णामा, अखिल लोक गायक कृष्णामा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, तो राम जी कौन है? जो आनंद सिंधु, राम जी हैं आनंद के सिंधु, सिंधु माने समुद्र, भगवान हैं आनंद के सिंधु और हम सब हैं उन्हीं की आनंद की एक बिंदु, और सारी बिंदु मिल जाए तो बन गया सिंधु। तो हमारे जीवन में आनंद तभी आएगा जब हम आनंद के सिंधु से संबंध जोड़ेंगे। हमारे आपके सबके घर में बिजली जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा घर बिजली घर है।
हमारे घर में बिजली है पर हमारा घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर तो बाहर है, शहर के बाहर पावर हाउस बिजली घर, वहीं से सारे शहर में बिजली की सप्लाई की जा रही है। तो बिजली घर अलग चीज है और घर में बिजली अलग चीज है। तो भगवान है आनंद के सिंधु और हम हैं उस सिंधु की बिंदु। माने भगवान बिजली के पावर हाउस हैं और हमारे घर में बिजली कब है? जब पावर हाउस से हमारा कनेक्शन फिट है। वहाँ से कनेक्शन कट हो जाएगा तो बिजली गायब। उसी प्रकार हमारे जीवन में आनंद तभी आएगा जब आनंद सिंधु से हमारा कनेक्शन फिट रहेगा। जब जिनका कनेक्शन फिट हो जाता है उनके जीवन में कुछ न होने पर भी आनंद भरपूर रहता है, और जिनका कनेक्शन वहाँ से कट जाता है उनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आनंद का अभाव रहता है। हमेशा अशांत और परेशान दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष देख लो, जो महात्मा जंगल में राख लगाए पीपल के नीचे या किसी झोंपड़ी में घास फूस के बीच में रह रहे हैं, न खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न पलंग, कुछ नहीं है। और कुछ न होने पर भी वो बड़े मस्त हैं, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। फकीरी में भी पूरी मौज है उनकी, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। फकीर किसको बोलते हैं? फिकर सबको खा गई। हम में से सब लोग किसी ना किसी फिकर में लगे, महाराज बिटिया की शादी नहीं हो रही, बड़ी फिकर है क्या होगा, महाराज बहू के बेटा नहीं हो रहा, बड़ी फिकर है न जाने कब होगा। कोई ना कोई फिकर सबको लगी। फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और फिकर की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। फकीरों को कोई फिकर नहीं होती, वो फिकर को ही फांके जाते हैं और अपनी मस्ती में रहते हैं। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है फिर भी कोई फिकर नहीं है, फिर भी कोई चिंता नहीं है। हमारे कबीरदास जी भी कहते हैं, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो राम, फकीरी में मन लागो मेरो राम, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम। कबीरदास जी कहते हैं, हमने अमीरी भी देखी है और फकीरी भी देखी है, पर जो मस्ती फकीरी में है वो अमीरी में नहीं है। अमीरों के पास धन की कमी नहीं है फिर भी शांति नहीं है, और फकीरों के पास कुछ भी नहीं है फिर भी शांति की कोई कमी नहीं है। हमेशा शांत एकांत में मस्त रहते हैं, ये फकीरी की मौज है। अच्छा, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद नहीं परम प्रिय खिन्न। सीताराम जी कौन है? जैसे शब्द और अर्थ कहने में दो है पर एक ही चीज है, जैसे जल और तरंग कहने में दो है पर एक ही चीज है, जैसे पानी से तरंग अलग नहीं, जैसे शब्द से अर्थ अलग नहीं, जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं, जैसे सूर्य से किरण अलग नहीं, जैसे दूध से सफेदी अलग नहीं, जैसे पुष्प से गंध अलग नहीं, ऐसे ही सीताराम राम राम जी से जानकी, जानकी जी से राम जी बिल्कुल भी अलग नहीं, एक ही तत्व हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा, ब्रह्म की एक ज्योति के दो प्रकाश हैं। इन्हीं को सीताराम जी कहो, इन्हीं को राधेश्याम जी कहो, इन्हीं को गौरी शंकर कहो, इन्हीं को लक्ष्मी नारायण कहो, कुछ भी कहो, ये कहने में दो हैं पर तत्वतः एक हैं। वागर्थावेव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सबका एक ही स्वरूप है।
उसी प्रकार राम जी हैं आनंद के सिंधु और जानकी जी हैं शांति। अब संसार में ऐसा कौन प्राणी है जिसको आनंद न चाहे? ऐसा कोई है जो संसार अपने जीवन में शांति न चाहे? सबको शांति चाहिए और सबको आनंद भी चाहिए। और जब शांति आएगी जीवन में तभी आनंद आएगा, आनंद तभी आएगा जब जीवन में शांति आएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हुए कि नहीं? अब सामने लगता है रामायण रखी है, जो बार बार रामायण का ही स्मरण हो रहा है। हमने कह दिया ना आज तो राम जी की इच्छा पे ही छोड़ देते हैं, जो चाहेंगे सो कहेंगे। और रामायण ही अभी मत भागवत नहीं आज तब ठीक है, तो हम तो भागवत के मूड में ही थे, परंतु बार बार राम जी की चर्चा आ रही है। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। तो सुनिए रामचरितमानस में ही देखिए शांति और आनंद का संबंध। राम जी ने कहा जाओ जानकी जी का पता लगा के आओ। सारे बंदर कूद पड़े चारों दिशाओं में। काय के लिए जा रहे हैं? बोले जानकी जी को खोजने के लिए जा रहे हैं। अब जानकी जी कौन है? बोले शांति स्वरूपा है। तो बंदर तो जानकी जी को खोज रहे हैं और हम इस जगत के जंगल में जीवन की शांति को खोज रहे हैं। दोनों का जीवन में संयोग देखिए, दोनों के तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। बंदर जानकी जी को खोज रहे हैं, जानकी जी मिलेंगी तभी उनकी यात्रा सफल होगी। हम भी अपने जीवन की यात्रा में जंगल में संसार के भवाटीबी में भटकते फिर रहे हैं। खोज किसकी है? बोले शांति की। जीवन में बस शांति मिल जाए महाराज। बड़े बड़े अरबपति खरबपति भी कहते हैं महाराज भगवान का दिया सब कुछ है परंतु घर में शांति नहीं है, ऐसी कृपा करो कि शांति मिले। शांति सबको चाहिए। बंदर भी शांति स्वरूपा जानकी जी को खोज रहे हैं, हम भी जीवन की शांति को खोज रहे हैं। परंतु राम कथा से आप लोग परिचित होंगे, बंदर जो दक्षिण दिशा में गए थे, हनुमान जी जामवंती जी अंगद आदि उनका एक पूरा दल था। हनुमान जी ने देखा कि साहब भूख और प्यास से पीड़ित हो गए, लगता है सबके प्राण निकल जाएंगे भूख प्यास में। जंगल में भटकते भटकते थक गए, भूख प्यास के कारण सब पीड़ित हैं। तो हनुमान जी को लगा इनको तुरंत पानी नहीं पिलाया गया तो मर जाएंगे सब। तो हनुमान जी एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़े, उन्होंने चारों तरफ देखा कहीं पानी का जुगाड़ बैठे, तो एक गुफा नजर आई। एक पहाड़ की गुफा में बहुत से पक्षी उड़ उड़ के जा रहे थे, निकल के भी आ रहे थे, तो समझ गए इसमें पानी है। क्योंकि पानी है तभी पक्षी इसमें घुस रहे हैं। फल और जल दोनों होने चाहिए, खाने को भी मिले पीने को भी मिले। हनुमान जी बोले चलो चलो मिल गई गुफा, इसी में मिलेगा जल। तो सब बंदर भालुओं को लेकर के गुफा के द्वार तक पहुंचे। पहले कथा का संकेत कर दें फिर अपने जीवन से जोड़ के बताते हैं। गुफा के द्वार पर पहुंच गए, आगे आगे अंगद जी जा रहे थे, पीछे पीछे हनुमान जी। कोई बंदर भालू रहना जाए पीछे, इसलिए पीछे से पवन सुत चल रहे थे। परंतु जब द्वार तक पहुंच गए तो अंगद जी से कहा आप घुस जाओ अंदर, इसी गुफा में फल जल सब कुछ मिलेगा। अंगद जी बोले हम तो नहीं घुसेंगे। क्यों? बोले अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, कोई बंदर घुसने को तैयार नहीं, क्योंकि अंधेरी गुफा में डर लगता है कि भगवान जाने कौन बैठा हो। अंगद जी से कहा आप तो सेना के नेतृत्व करने वाले हैं, आपको पहले घुसना चाहिए, हम लोग सब पीछे पीछे आपके। अंगद जी बोले हमारे खानदान के लिए गुफा ठीक नहीं है, हमारे घर में जो संग्राम हुआ इस गुफा के चक्कर में ही हुआ। और कथा से आप परिचित ही हैं, बाली मय सुत के पीछे भागा और वो राक्षस गुफा में घुस गया, बाली भी घुसने लगा तो सुग्रीव पीछे पीछे भागा आ रहा था। सुग्रीव से कहा तुम रुकना, हम अभी उसे मार के आते हैं और जब तक लौट के ना आवे तब तक यहीं रहना और 15 दिन तक यदि ना आऊं तो लौट जाना। मास दिवस कहूं एक पखवारा, कह दी एक पखवारा, एक पखवारा माने एक 15 दिन एक पक्ष। सुग्रीव अपनी व्यथा सुनाते हुए राम जी से कहते हैं महाराज उसने तो केवल 15 दिन की कहा था, मैं तो 1 महीने तक बैठा रहा। मास दिवस मा रहो खरारी और निसरी रुधिर धारते हैं भारी। 1 महीने के बाद खून का फब्बारा गुफा के भीतर से निकला
तो मैं बुरी तरह डर गया, मुझे लगा कि मेरे भैया को मार डाला, अब वो राक्षस मुझे भी आके मार डालेगा। तो मैंने लंबा चौड़ा एक पहाड़ उठा करके गुफा के द्वार पर धर दिया ताकि वो निकल ना पावे। शिला देह तह चले ऊपर आई, पत्थर मैंने दरवाजे पर रख के भागे आया। फिर क्या हुआ? बोले हम जैसे ही आए नगर में तो मंत्री ही बिनु देखा बिनु साई, मंत्रीपुर देखा बिनु साई, तो दीने हूँ मोर राज बरे आई। जब देखा कि कोई नहीं है, राजा तो मारे गए बाली, तो अब चलो इन्हीं को राजा बना दो। तो महाराज मैंने बहुत मना किया, मुझे नहीं चाहिए कुर्सी, पर मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बैठा करके मेरा राज्याभिषेक कर दिया। लक्ष्मण जी हंसने लगे सुन के। राम जी बोले हंस क्यों रहे हो, इसमें हंसने की क्या बात थी? बोले हमें इस बात पे हंसी आ रही है कि ये कह रहे हैं कि हमको जबरदस्ती राजा बना दिया। ये सत्ता लोलोप लोग नो ऐसे ही बोलते हैं कि हमें कुर्सी की जरूरत नहीं, हम तो समाज की थोड़ी सेवा करना चाहते हैं, यदि आप हमको सेवा का अवसर देंगे तो हम भी कुछ आपकी सेवा कर सकेंगे। असली अर्थ ये है कि मन में तो कुर्सी पर बैठने की इच्छा होती है पर सेवा के नाम पर बैठते हैं। भगवान बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, सब लोग ऐसे नहीं होते। जब उन्होंने वो कह रहे ना, उन्होंने थोड़ी मांगा था, वो तो जबरदस्ती दीने हूँ मोए राज बरे आई, जबरदस्ती मुझको राजा बना दिया, वो थोड़ी बनना चाह रहा था। बोले महाराज जिसका मन नहीं होता उसे कोई नहीं बैठा सकता, और एक कहावत है मन मन भावे मुड़ी हलावे, जिसके मन में होता है वो बहाना ढूंढता रहता है। या जबरदस्ती राजा बनने वाले होते तो भरत जी को अयोध्या के सिंहासन पर क्यों नहीं बैठा दिया? भरपूर कोशिश करी पूरे अयोध्या के नर नारियों ने, पर भरत जी तो सिंहासन पर नहीं बैठे। तो जो नहीं बैठना चाहता उसे कोई नहीं बैठा सकता, परंतु जहां सत्ता लोलुपता होती है वो केवल बहाने ढूंढते रहते हैं। भगवान बोले अच्छा ठीक है ठीक है, सुनो फिर क्या हुआ? बोले साहब हम जैसे ही बैठे, पहले वो तो ये देखो, लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं ये कैसा भाई है कि 15 दिन तक दरवाजे पर बैठा रहा और जब रक्त का फब्बारा निकला तो मान के चलो इसने यही सोचा हो कि मेरे भैया को मार डाला, तो भाई का खून देख करके भाई का खून भड़कना चाहिए कि नहीं? तो उसने मेरे भाई को मार डाला, अब उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, निकलने दो बाहर। उसके सुग्रीव के रक्त में उबाल आना चाहिए था, सो पत्थर रख करके भगे और आया। कितना कायर है, ऐसा भाई होता है कोई? अच्छा आ करके कहता फिर मेरे को जबरदस्ती सिंहासन पर बैठा दिया, ये देखो कितनी झूठ बात कहता है, और ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना चाहिए। भगवान बोले नहीं नहीं पहले उसकी पूरी बात सुनो। फिर क्या हुआ? बोले साहब बाद में पता चला कि वो तो राक्षस मरा था, बाली भैया तो जिंदा था। वो जब निकल के आया उसने मेरे को सिंहासन पर जब बैठा देखा उसका मूड खराब हो गया, मेरे को इतना बुरा मारा, और रिपु सम मोहे मारे से अति भारी, हर लीने सर्वस और नारी, ताके भय रघुवीर कृपाले कृपाला, सकल भुवन मो फेरहूं बेहाला। मेरे भाई ने मुझे बुरी तरह मारा, मेरी पत्नी को भी छीन लिया, मार मार के घर से निकाल दिया, उसी के डर के मारे में भटकता फिर रहा हूं, पर यहां सांप बस आवत नहीं। यहां पर ऋषिमुख पर्वत पर उसे सांप लगा है, वो कभी आता नहीं है, इसलिए मैं उसके डर के मारे यहां रहता हूं। ये कथा सुनाई सुग्रीव ने। तो वही प्रसंग याद कर रहे हैं अंगद जी कि सारा झगड़ा हम हमारे चाचा और पिताजी में इसी चक्कर में हुआ था गुफा के घुसने में, इसलिए मैं तो नहीं घुसूंगा। हनुमान जी बोले तो सब पीछे हटो, हम घुसते हैं और हमारे पीछे पीछे आओ। और हनुमान जी ने जब प्रवेश किया तो सारे बंदर उनके पीछे पीछे अंधेरे में भी घुसे चले गए, और जो भीतर प्रवेश किया तो एक ऐसा दिव्य प्रकाश गुफा के भीतर से प्रविष्ट होकर के प्राप्त हुआ, जिसका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा नाम की एक दिव्य तपस्विनी बैठी हुई थी, जिसके तेज से पूरी गुफा एकदम प्रकाशमान हो रही थी। उसने सब बंदर भालुओं का स्वागत किया और कहा खूब चकाचक फल खाओ, खूब प्रेम से शीतल जल पियो, प्यास बुझाओ, मैं तुम्हें जानकी जी का मार्ग दिखाने का मार्ग प्रशस्त करती हूँ, मैं रास्ता दिखाऊंगी। खूब चकाचक फल खाए और जल पिया, और फिर स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करो, और जैसी आंख बंद करी तो सारे बंदर अपने आप को समुद्र के किनारे बैठे हुए पाए, जानकी जी की प्राप्ति का मार्ग दिखा दिया। और जैसी स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करो तो सबने आंख बंद करी। हनुमान जी ने कहा फालतू आंख बंद क्यों करें, आंख बंद करना ही है तो राम जी का ही ध्यान कर लें।
सो हनुमान जी ने आंख बंद करते ही राम जी का ध्यान किया, ध्यान लगाते ही समाधि लग गई। सो प्रेम से आनंद में आंख बंद किए समाधि में बैठे रहे, कब समुद्र के किनारे आ गए पता ही नहीं चला। और जब गीध ने कहा मेरे को इतना आहार मिल गया सबको खा जाऊंगा, तो सबरे बंदर भालू घबराए लगे, अब वाह मरण सत्य हम जाना, अब तो मरना पक्का है। हनुमान जी को पता नहीं वो ध्यान में बैठे हैं। खैर अंत में जब ये निर्णय हुआ कि जो सागर पार करेगा वही जानकी जी को प्राप्त कर पाएगा, हनुमान जी ने कुछ सुना ही नहीं था, वे तो ध्यान में बैठे थे। जब देखा कि सब घबरा रहे हैं कि कैसे जाएं समुद्र पार, और हनुमान जी चुप्पी साधे बैठे हैं, तब जामवंती जी ने ध्यान से देखा ये बैठे हैं कि समाधि लगाए हैं। जब ध्यान से देखा इनकी समाधि तब से लगी थी जब से आंख बंद करी थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सुना कि कहां पहुंच गए और क्या हो रहा है। जब जामवंती जी ने हिला करके समाधि तोड़ी, का चुप साध रहे बलवाना, ये चुप्पी साधे तुम काय क्यों बैठे हो, ये ध्यान समाधि का समय नहीं है, इस समय जानकी जी के खोज में हम लोग निकले हुए हैं, इसलिए जरा अपना बल प्रताप स्मरण करो और काम के लिए अभियान में आगे बढ़ो। जैसी राम काज लग तब अवतारा, सुनते उभयो पर्वताकारा। सोई हनुमान जी जाग गए और तुरंत अपने बल स्मरण में स्थित हो गए। ये तो रही राम कहानी। अब ये राम कहानी का हमसे जरा संबंध क्या है उसको जोड़ करके और देख ले। जैसे बंदर जानकी जी को खोजते फिर रहे थे कि जीवन में शांति रूपी जानकी जी मिलें तो राम जी के आनंद का भरपूर हमको लाभ प्राप्त होगा, हम भी इस संसार रूपी जंगल में जीवन की सुख और शांति को ही खोज रहे हैं। भगवान राम सुख रूप है, सो सुख धाम राम असनामा। राम जी सुख धाम है, जानकी जी शांति स्वरूपा है। शांति जीवन में मिलेगी तभी सच्चा सुख हमें प्राप्त होगा, तभी भरपूर आनंद हमारे जीवन में आएगा। परंतु बंदर शांति को पा नहीं पाए, जानकी जी को ढूंढ नहीं पाए, भूख प्यास से मरने लग गए। संसार में सब भूखे हैं, हनुमान जी को खाने वाली मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। पहले बंदर भूख से परेशान थे, हनुमान जी जब समुद्र पार करने लगे तो सुरसा खाने के लिए आ गई और मैं खा जाऊंगी हनुमान जी को, फिर सिंह का खाने के लिए आ गई और फिर लंकिनी खाने के लिए, मोर आहार जहां लग चोरा, मैं चोरों को खाती हूँ। सब खाने वाले हैं संसार में, सब भूखे हैं, कोई रुपयों के लिए भूखा है, कोई पद के लिए भूखा है, कोई प्रतिष्ठा के लिए भूखा है, कोई परिवार के लिए भूखा है, कोई प्रेम के लिए भूखा है, सब भूखे हैं, किसी न किसी को किसी न किसी चीज की भूख है। तो बंदर भी भूखे थे, परंतु गुफा के द्वार पर हनुमान जी लेके पहुंच गए और कहा भीतर घुसो तो आपकी भूख प्यास मिटेगी। ये गुफा क्या है? अंतर्मुखी गुफा। जब तक आप अपने हृदय की गुफा में अपने ही भीतर नहीं घुसेंगे तब तक न शांति मिलेगी और न आनंद मिलेगा न सुख मिलेगा। हनुमान जी ने कहा भीतर घुसो, सब बंदर बोले हम तो नहीं घुस सकते, हम भी कहां अपने भीतर घुसना चाहते, किसी से भी कहो ध्यान लगाओ तो आंख बंद करेंगे, अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, सो घबराहट और होने लगती है। कोई अपने भीतर की गुफा में घुसना नहीं चाहता, और शांति आपको अपने भीतर ही मिलेगी, बाहर मिलने वाली नहीं। हम शांति को बाहर खोजते फिर रहे हैं, शांति हमारे भीतर बैठी है। इसलिए कहते हैं तुम भगवान को कहां ढूंढ रहे हो, भगवान तो तुम्हारे भीतर ही घुसे बैठे हैं। भगवान भी भीतर है, सुख शांति भी भीतर है, खोज रहे हैं बाहर और भीतर घुसना नहीं चाह रहे। किसी की शोक सभा में जब कहा जाता है 2 मिनट के लिए मौन धारण करके आंख बंद करके उस मृतात्मा को शांति प्रदान करो, तो 2 मिनट के लिए जब मौन धारण करके आंख बंद करते हैं तो 2 मिनट पूरे नहीं हो पाते, कभी भी घड़ी से देखना, 1 मिनट में ही हलचल चालू हो जाती है। क्यों भैया? आंख खोलेंगे क्या, खांसेंगे या इधर उधर एक दूसरे को देखेंगे? 2 मिनट भी हम आंख शांति से बंद करके अपने भीतर नहीं बैठ पाते तो बोलो सुख शांति कैसे मिलेगी। भीतर की गुफा में हनुमान जी ने कहा चलो हम घुसते हैं, तुम हमारे पीछे पीछे आओ। और हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय
जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई कृपा करहु गुरु देव की नाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान जी सदगुरु हैं। यदि आपको भीतर की गुफा में प्रवेश करना है तो बिना सदगुरु के मार्गदर्शन के नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा हम आगे चलते हैं, तुम पीछे पीछे आओ। और जब हनुमान जी आगे चले तो सारे बंदर पीछे पीछे पहुंच गए और गुफा में घुस गए। उसी प्रकार किसी सदगुरु के मार्गदर्शन में आप अंतर्मुख की गुफा में प्रवेश करेंगे तब आपको स्वयं प्रभा का दर्शन प्राप्त होगा। स्वयं प्रभा माने स्वयं की प्रभा, प्रभा माने प्रकाश। हमारे भीतर जो आनंद है वो बाहर का नहीं है, हमारा अपना आनंद है, निजानंद इसको कहते हैं, स्वात्मानंद। अपनी ही आत्मा के प्रकाश में, अपने ही आनंद के प्रकाश में हम जब भीतर स्थित होकर के बैठ जाएंगे। महात्माओं के पास खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता, फिर भी जंगल की गुफाओं में मस्त पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी स्वयं प्रभा का प्रकाश प्राप्त हो गया। फल और जल चकाचक मिला, बंदरों को तृप्त हो गए और जानकी जी की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त गुफा से ही हुआ। उसी प्रकार जो भी अपने जीवन की अंतर्मुख की गुफा में प्रवेश कर जाएंगे उन्हें सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और भरपूर आनंद प्राप्त होगा। सुख शांति पाए बिना, अब अंतर क्या है? हमारे पास सामग्री सुख की है पर सुख नहीं है, और संतों के पास सामग्री कुछ नहीं है पर सुख और शांति भरपूर है। बस यही जीवन की खोज है। इसी जीवन की खोज को पाने के लिए, उस आनंद को जानने के लिए ये सब उत्सव मनाए जाते हैं, और भगवान इसलिए हमारे बीच में आते हैं ताकि कि देखो निर्गुण निराकार में सबका मन नहीं लगता, तो निर्गुण निराकार से भगवान को सगुण साकार बन करके आना पड़ता है ताकि हम उन्हें पकड़ सकें, उनके साथ खेल सकें, खा सकें। सगुण साकार में सबका मन लग जाएगा। आँखों को रूप देखने की आदत है, कानों को कुछ सुनने की आदत है, जिह्वा को खाने की चटोरी जिह्वा है उसको स्वाद का आनंद लेना है। तो भगवान कहते हैं यह तुम्हारी इंद्रियां विषयों में खूब रची पची हैं और निर्गुण ब्रह्म में तो ये सब मिलने वाला नहीं है, ना रूप मिलने वाला ना स्वाद मिलने वाला। तो इसलिए वो निर्गुण से सगुण साकार छल छबीले घनश्याम राम जी बन के श्याम जी बन के आते हैं ताकि खूब आंखों से जी भर कर कि इनकी रूप माधुरी का भी आनंद लो, कानों से सुंदर सुंदर इनके चरित्रों का भी श्रवण करो, नासिका से इनके चरणों की दिव्य सुगंध मकरंद तुलसी आदि जो चढ़ाई जाती है उसकी गंध ग्रहण करो, जिह्वा से इनके 56 भोग का भी स्वाद ग्रहण करो। सब कुछ चकाचक है, ये तो रसो वही सह रस रूप परमात्मा है। हम रसिकों को रस प्रदान करने के लिए ही निर्गुण से सगुण बन करके प्रकट भए हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तो ये अलग अलग, देखो हमारे यहाँ मिठाई के कई वैरायटियाँ होती हैं। ब्रजवासी की दुकान पर जाके कहो साहब मिठाई, हमको मिठाई खाना है, तो वो पूछेगा कौन सी मिठाई चाहिए। अरे हमको तो मुंह मीठा करना है भाई, कोई भी मिठाई दे दो। अरे तो भाई ठीक है, मिठाई की दुकान पर ही खड़े हो, मुँह मीठा ही होगा तुम्हारा, पर मिठाई कौन सी चाहिए? जलेबी चाहिए, इमरती चाहिए, रबड़ी चाहिए, कि बर्फी चाहिए, कि पेठा चाहिए, कितनी सारी मिठाइयाँ होती हैं। मिठाई मिठाई में भी कितने भेद होते हैं। उसी प्रकार भगवान मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ये तो मीठे ही मीठे हैं, पर ये राम जी के रूप में, के श्याम जी के रूप में, के भोले बाबा के रूप में, के देवी मैया के रूप में, के गणपति जी के रूप में, के कितने रूपों में भगवान ने अपने आप को व्यक्त कर लिया। ये हजारों प्रकार की मिठाइयाँ हैं, जिसको जिसमें स्वाद आवे चकाचक खाओ पियो मस्त रहो। 56 भोग वालों का हमारा हमारी परंपरा तो 56 भोग की है ना, जिनके यहाँ तो केवल पेट भरने से ही काम है, स्वाद का कोई काम ही नहीं है, केवल दाल रोटी मिलेगी, खाना है तो खाओ, पेट भर के जाओ, और मिठाइयाँ कुछ नहीं है, तो उनको तो पेट भरना ही भरना है। पर हमारे यहाँ केवल पेट भरने से ही नहीं बल्कि इतने व्यंजन हैं कि जिसमें स्वाद आवे खाओ भी, पेट भी भरो और पूरे स्वाद के साथ भरो, चकाचक स्वाद लेकर के। जिनके यहाँ कोई विकल्प नहीं है उनके भगवान में, या तुमने उंगली उठा दी कि नहीं हमको पसंद नहीं है तो आपकी गर्दन ही उड़ा देंगे। मन लगे चाहे ना लगे, हमारे आराध्य में ही मन लगाओ,
उन्हीं को मानो, दूसरे की बात मत करो, क्योंकि उनके यहाँ विकल्प नहीं। हमारे यहाँ तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान बोले तुम्हें हमें चाहिए, हम इतने सुंदर मिठाइयों के रूप में व्यक्त हो जाते हैं कि जिसमें स्वाद आवे उतना स्वाद लीजिए। तो भगवान राम बन के, श्याम बन के, गणपति बन के, भोले बाबा बन के, देवी मैया बन के हजारों रूपों में प्रकट हो गए। अब तुम्हारा जिसमें स्वाद बनता हो उसका पूरा भरपूर आनंद लो, जबरदस्ती कहीं करने की जरूरत नहीं है। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। इसलिए हमारे हनुमान जी भी खड़े हैं, हमारे राम जी भी हैं, हमारे श्याम जी भी हैं, और अनेक अनेक रसिक जन अनेक प्रकार के रसों का खूब आपको वितरण कर रहे हैं। आप इसी प्रकार से रसास्वादन करते रहें। है मूल में एक ही रस, उसमें कोई भेद नहीं है, मूल एक है, परंतु उसकी भी अनेक वैरायटियां हैं। यही हमारे यहाँ भोजन की क्वालिटी है। रोटी तो है, और रोटी में भी मिस्सी रोटी अलग है, बाजरे की रोटी अलग है, चने की रोटी अलग, कितनी प्रकार की रोटी हो जाती है। और दूध से ही सम माने खोआ बनता है, खोआ की कई मिठाइयाँ बनती हैं, मिठाइयों के भी भेद हैं, पूड़ियों में भी भेद, हरी पीली नीली ऐसी पूड़ी भी बन जाती हैं। तो हमारे यहाँ हर चीज़ में अनेक वैरायटियाँ हैं, इसलिए हमारे ठाकुर जी ने भी अपनी कई वैरायटियाँ प्रकट कर दी हैं कि तुम्हें किसी से भी जबरदस्ती मन लगाने की जरूरत नहीं, जिसका जिसमें मन लगे, हम हैं वही एक, हम में तत्वतः कोई भेद नहीं है। एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, एक तत्व को ही ऋषियों ने अनेक रूपों में गाया है, अनेक रूपों में जाना है। इसलिए आप उन समस्त अपने ठाकुर जी के स्वरूप में जो तुम्हारे मन को ज्यादा भाता हो उसी में अपने मन को लगाओ, और चकाचक उसी रस में हमेशा के लिए डूब जाओ। बोलबंसी वारे की जय। अरे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बाला। Yeah.
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मोखा दग्निर्जायत श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा बांके बिहारी तेरी आरती गा हे श्याम सुंदर तेरी आरती गा श्याम सुंदर तेरी आरती मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे बंसी बन बन जा श्री बा के बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को शीश झुका श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरि
हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो बस सदा ब्रज मंडल पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आपको मनाऊं प्यारे प्रभु गुण गाऊं आपको मनाऊं प्यारे प्रभु गुण गाऊं हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं हे नंद के लाला तेरी आरती गाऊं अरे नंद के लाला तेरी आरती गाऊं ओ तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधेश्याम।